नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आओ अंग्रेजी सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। आइए आज हम कुछ और नए शब्द सीखते हैं, रोजाना बोले जाने वाले वाक्य, सेंटेंसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। शब्द हिंदी में, उसके बाद उनका मीनिंग इंग्लिश में, और फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनका वाक्य में कैसे प्रयोग होता है, यह हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो देखिए, चलिए यहाँ पर पहला शब्द देखते हैं, तोड़ना। तोड़ना मतलब ब्रेक। वह एक प्लेट हर बार तोड़ देती है जब भी वह प्लेटें धोती है। She breaks a dish every time she washes dishes. Plate मतलब dish, dishes. ज़्यादा प्लेटें हैं तो dishes. टूटना मतलब break. टूटने का मतलब भी break ही होता है। ध्यान से काम करो, शीशा नहीं टूटना चाहिए। Work carefully, glass should not break. ध्यान मतलब carefully. Work carefully, glass should not break. अलग मतलब separate. वे दोनों अलग घरों में रहते हैं। They live in separate houses. जोड़ना मतलब join. यहाँ पर दोनों सड़कें जुड़ जाती हैं। Both the roads join here. सड़कें मतलब road. Both the roads join here. मिल जाना मतलब भी join होता है। नदी समुद्र में मिल जाती है। The river joins the ocean. नदी मतलब river, समुद्र मतलब ocean. The river joins the ocean. शामिल होना, उसको भी हम इंग्लिश में ज्वाइन ही बोलते हैं। वह समाज सेवा के समूह में शामिल हो गई। शी हैज़ ज्वाइंड द सोशल सर्विस ग्रुप। समाज सेवा मतलब सोशल सर्विस और समूह मतलब ग्रुप। शी हैज़ ज्वाइंड द सोशल सर्विस ग्रुप। फैलना मतलब स्प्रेड। खबर जल्दी से फैल गई। द न्यूज स्प्रेड क्विकली। आइए एक बार फिर से हम इंग्लिश के सारे वाक्य दोहराते हैं, ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बोलने की कोशिश भी कीजिए। शी ब्रेक्स अ डिश एवरी टाइम शी वॉशेज डिशेज। वॉक केयरफुली, ग्लास शुड नॉट ब्रेक। दे लिव इन सेपरेट हाउसेस। बोथ द रोड्स जॉइन हियर। द रिवर जॉइंस द ओशन। शी हैज़ जॉइंड द सोशल सर्विस ग्रुप। द न्यूज स्प्रेड क्विकली। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और घर बैठे इंग्लिश सीखिए। थैंक यू।